स्वागत करुछी मुनिवेदिता बुलेटिन आरंभ करिबाले प्रथमे हेडलाइंस आज 18-44 समस्त टीका खर्च उठाए केन्द्र सरकार सारा देश में लोकों मिल सुविधा प्रधानमंत्री करते घोषणा प्रथम दिन में रेकर्ड 50 लाख टीका लगवा टीकाकरण केन्द्र में मुख्यमंत्री फोटो को नहीं बद कहीं प्रधानमंत्री फोटो लगला ना बीजेपी प्रश्न बालेश्वर टीकाकरण केन्द्र में सीडीएमओ बीजेपी कर्मी पाटितुंड आज यूट्यूब पाठपढ़ा ऑनलाइन पाठपढ़ा फेल मार राज्य सरकार को नुआ योजना तेरे अपहंच इलाकर पहुंची पार नहीं सुविधा केमी पढ़े पिला चिंता आंतर्जातिक योग दिवस मोदी देले योगर सहयोग मंत्र कहे कोरोना काल में कवच साजिश योग खूब शीघ्र डब्ल्यूएचओ सहयोग में विभिन्न भाषा विश्ववासी एम योगा अंतराष्ट्रीय योग दिवस एकाठ है सारा विश्व आमेरिकार यूएई पर्यंत योग दिवस सियाचिन बंडाघाटी नेता मंत्री साधारण जनता आकुमारी हिमाचल कोरोना समय योगर जय जयकार एवं निज निर्वाचन मंडली कामर हिसाब दे भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी काम कर हिसाब दे भल कम आत्मसंतोष कले सफलता शेष नेतृत्व को धन्यवाद दे अपराजिता आज जो राज्य में कैंपेन मोड में टीकाकरण सीधासख लोके टीकाकरण केन्द्र को जा टीका नहीं पारे दिनक 3 लाख टीका देवाई टार्गेट रखा टीकाकरण 2000 केन्द्र में टीका दिजा को व्यवस्था करथर ग्रामांचल अधिक फोकस पंचायत और ब्लक स्तर में टीकाकरण स्वतंत्र प्लान कर प्रति ब्लक रे 5 केन्द्र और एनएससी रे 5 केन्द्र कर पौर परिषद मानक 10 और महानगर निगम मानक 20 केन्द्र में टीकादान उभय ऑनलाइन और ऑफलाइन रे पंजीकरण जिला स्तर में योजना करतमान सुधा राज्य में प्राय 97 लाख डोज टीका दि जाएगी 22% लोक टीका नहीं राज्य में 10 लाख कोविशिल्ड टीका 4 लाख कोवैक्सीन टीका मौजूद अच्छे से टीकाकरण को भय कर लोक सचेतन करने योजना कर सरकार आज जो सारा देश में 18+ वयस्क मागणा कोरोना टीका केन्द्र सरकार ने समस्त दायित्व आज प्रथम दिन में 50 लाख लोक टीकाकरण करने को लक्ष्य रखा जाकि एक रेकर्ड हेब दिल्लीर विभिन्न स्थान में केन्द्रमंत्री विभिन्न टीकाकरण केन्द्र को जा रहा जांच कर दिल्ली आरएमएल हस्पिटाल अच्छा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उपाध्यक्ष वैजयंत पंडा और केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन तृतीय लहर खूब शीघ्र आसवर आशंका डिसेंबर सुधा टीकाकरण प्रक्रिया को शेष करने को लक्ष्य रखिंट केन्द्र सरकार तेणु समस्त राज्य को तृतीय पर्याय टीकाकरण लगे मागणा टीका जोगाई देवासह कैंपेन मोड देवा केन्द्र हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बूथ बूथ पर मोदी जी का संदेश कि वैक्सीनेशन किया जाए और कोई भी वैक्सीनेशन से बचे नहीं सब कोई वैक्सीनेशन कराएं इस संदेश को लेकर के हर बूथ पर अपने भारतीय जनता पार्टी का काउंटर लगा है और वह आने वाले लोगों को सुविधा प्रदान कर रहे हैं ताकि उनको कोई भी दिक्कत वैक्सीनेशन में ना आए टीकाकरण केन्द्र में मुख्यमंत्री फोटो को नहीं बद कहीं प्रधानमंत्री फोटो लगला ना बोली बीजेपी कला प्रश्न बालेश्वर टीकाकरण केन्द्र में सीडीएमओ बीजेपी कर्मी पाटितुंड आज राज्य में आरंभ मास्क वैक्सीनेशन कार्यक्रम बालेश्वर जिले में आज एथपाई स्वतंत्र व्यवस्था कर जिलापाल कार्यक्रम उद्घाटन करने पूर्व सहर मध्यस्थल गांधी स्मृति भवन में होता टीकाकरण केन्द्र में केवल मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक पोस्टर और एलसीडी लगी क्षुब्ध होते बीजेपी किसी कर्मी उपस्थित थिबा सीडीएमओ जुक्तितर्क करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी टीका मागण से देखा बेले फोटो कहीं रही बोली प्रश्न करजेपी स्टेज नरेन्द्र मोदी फोटो रखी बीजेपी कर्मी शेष में यह कार्यक्रम उद्घाटन हो पारा कि जिलापाल आसी न सबुआड़े राज्य सरकार नवीन बाबू को फोटो लगाई
केन्द्र सरकार रो किछि नाही, केन्द्र सरकार जेंति टीका नाही से जिनस चालतला सेडी मंगो जतड़ पचारली मु माने सर आपण ओठी मोदी जी को पीएम रो गुटे भी फोटो नाही ना आज जो टीका दिया होछु सेडी मु स्टेटमेंट आज जो टीका दिया होछु सेटा निजस्व राज्य सरकार किणीछि बोली खाली राज्य सरकार रो फोटो अच्छी मुझे आप लिखित रहा स्टेटमेंट दे दिंतु आम फेरी जी चुपचाप रही किसी कहानी से वो किसी उत्तर देले ना से घटना आस्ते आस्ते से गोटे भितर गोटे कन्फ्यूजन रोचे किए मोदी कौन दौरान नवीन पट्टनायक कौन दौरान है ना से आमर किसी बुझे का सब क्लीअर हो किए कौन टीका कि आम पाखे ये जोटा था ये मो पाखे स्टेट गवर्नमेंट टीका जोटा कि मुझे यहाँ आगु आसाला मोदी मोदी सार टीका आज आसिक पहुँची तेणु कालीठ गवर्नमेंट रो किसी क्लीअर कट हो सब टीका हूँ कि गवर्नमेंट रो राज्य में आज ठार् अठर चौरास वर्ष वयस्कों टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ हो रायगढ़ जिला गुणपुर पौर परिषद पक्षर चार ब्लक पक्षर चार केन्द्र में टीकाकरण जो मैंने अनलाइन स्लॉट बुकिंग करते प्रथम टीका दि जाए प्रत्येक केन्द्र दुईश जन को टीकाकरण व्यवस्था ग्रहण करुववर्गर व्यक्तिशेष आग्रह टीकाकरण केन्द्र को आसी टीका ने देखा मिली केन्द्रगुड़िकोड गाइडलाइन अनुजाई टीका प्रदान व्यवस्था कर जिते जल्दी वैक्सीनेशन करदे से भल भल भावल आज का डेट स्टार्ट एगुड़ाक मुझे वैक्सीन नहीं बर्तमान मत कौन प्रकार प्रॉब्लम ना मुझे ठीक रे अच्छी आज अठर चौरास वर्ष व्यक्तिवर्ग मान टीकाकरण कराऊ दिन को 200 जन रखाई आज जो मैंने अनलाइन रजिस्ट्रेशन कर स्लॉट बुकिंग से ही दि जा आज जो यूट्यूब पाठपढ़ा अनलाइन पाठपढ़ा फेल मार राज्य सरकार को नुआ योजना तेज यह अपहंच इलाक केते पहुंची पारी एवं प्रश्न कोरोनार द्वितीय लहर जो 2021-22 शिक्षा वर्षर पाठपढ़ा ब्याहत हो शिक्षा वर्षर तीन मस गई एपर्त गोटे भी श्रेणीर क्लासरूम शिक्षादान हो पारिना ताको दृष्टि रखी सोमवार प्रथम दशम श्रेणी पर्यंत पिला यूट्यूब शिक्षादान लगी गणशिक्षा विभाग पक्ष योजना प्रस्तुत होन के विषय में पाठ पढ़ा से नहीं रुटीन प्रकाश कर साबालिका को नाबालिका दर्शाई विवाह कर भांगिबा को षड्यंत्र निज बाप घर ना यूपी गोरखपुर जने युवती एभली अभियोग आनी गोरखपुर फेरार जने युवती ओडिशा रे निज प्रेमिक सह विवाह करिसंती हेले झियो परिवार लोके झियो को नाबालिका दर्शाई फेराई आनिबा को यूपी पुलिस सहायता लोडिसंती एपडे किंतु झियो साबालिका थिबा कहिबा सह मो स्वामी को जानी सुनी हैरान करा जाउतबा सोशल मीडिया रे एक वीडियो जारी करी कहिछे जाको ने मुहामुई होइछंती उत्तर प्रदेश ओ कमिश्नरेट पुलिस युवती जनक निज को साबालिका कोथवा बेले नाबालिका कही ताको उत्तर प्रदेश पुलिस फेराई नेवा को चाहुछे आ एपटे किंतु युवती जनक जीवा को नाराज न्याय पाई भुवनेश्वर एयरफील्ड थाना पुलिस द्वारस्थ होइछंती थाना रे संपृक्त युवती 164 धारा रे बयान रेकर्ड करी कोर्ट निर्देश अनुसार कार्य करबा को निष्पत्ति निया जायछे। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, गोरखपुर से आई हूँ और मैंने अपना ये भुवनेश्वर में आके मैरिज किया है। मैं 18 प्लस हूँ और मेरा पेरेंट्स मुझे जबरदस्ती यहाँ से ले जाने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारा ऊपर से मेरे ऊपर मेंटली हरासमेंट भी कर रहे हैं कि ले चलो यहाँ से, ये कर दूंगा, पुलिस को बोल दूंगा। और मेरा हस्बैंड पे गलत आरोप लगाया है, केस किया है कि वो लोग मुझे किडनैप करके यहाँ पे लाके शादी की है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने मर्जी से आई हूँ, वहाँ पे एक लेटर भी छोड़ के आई थी कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ और यहाँ पे आती मैंने शादी किया है और कोर्ट में मैंने रजिस्टर भी कर दिया है। 30 डेज बाद मुझे अपना सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और यहाँ पे सब लोग यही बोल रहे हैं कि तुम यहाँ से जाओ, मेरे तरफ से भी लोग आए हैं और ऊपर से बहुत ज़्यादा दबाव दे रहे हैं और मेरा हस्बैंड की फैमिली को भी बहुत ज़्यादा परेशान वगैरह कर रहे हैं और बार बार यही कर रहे हैं कि तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा, उठवा दूंगा, यही सब बोल रहे हैं वो। अपना देखुछन दी अर्गस अपडेट, अपडेट समय का छोटा ब्रेक रहा। ब्रेक पर स्वागत। तो घसीपुरा विधायकों पुओं जातीयण मंतव्य को नहीं एसडीपीओं कार्यालय घेराव,
बद्रीनारायण पात्र पुव देवाशिष को गिरफ्त करने को दावी करी भीमसेना जो लगी शताधिक भीमसेना सदस्य मैंने आनंदपुर एसडीपीओ ऑफिस आगे नाराबाजी करते रामचंद्रपुर थाना अंचल जन युवती मामला प्रत्यारोप घसीपुरा विधायक बद्रीनारायण पात्र पुव देवाशिष पात्र चाप पकड़ एक अडियो सामाजिक गणमाध्यम भाइराल होता भाइराल अडियो देवाशिष जातियाण आक्षेप कर एक कथा कही जो मंतव्य को नहीं उठी विरोध स्वर पुलिस कहा चापरे से मामला को रुजु करूनांती बा कार्यनुष्ठान नहुनांती तो तार प्रतिबाद रे पुलिस रो निष्क्रियता प्रतिबाद रे एवं पुलिस जो एफआईआर को रजिस्ट्रेशन करूनांती तो तार प्रतिबाद रे आज समस्त युवपीढ़ी भीम आर्मी समस्त साथी कर्मकर्ता गण आज एसडीपीओ को ऑफिस सामना रे धारणा दउचंती भद्रक रे मतिले ब्रॉन्सगर माफिया भद्रक टाउन थाना अधीन कदम बेड़ा पेट्रोल पंप निकटू तीन जन निशाड़ी को धरी पुलिस जिमा देखते स्थानीय लोके युवक माने निशा करने हाथ में मणास्त्र धरी आतंक खेलाउते तेज किसी लोक से काबू कर पुलिस को खबर देते घटनास्थल सरांचल थाना पुलिस पहुंची तीन जन युवक को गिरफ्त कर 10 ग्राम ब्रॉन्सगर जबत कर এই কদমবেড়া ছকর সে দীর্ঘ দিন ড্রগ্স বিকুলে এ বাদে গাঁ লোক বহু থর কমপ্লেন করছেন থানার যাই মুখ দস্তর খন্ডে যাই থানার কী যে কুয়াশ গাঁরে অবকারী অফিস থাকু থাকু আজ তিনজন জনে খসি পড়ে আমার সে পুলিশ স্টাফ পু খসি পড়লে বাকি আর দুজন পুলিশ এসে আরেস্ট করে নিয়েছে बालेश्वर परे अनुगुल फोटो को नहीं प्रतिवाद देखा मिली टीकाकरण केन्द्र में कहीं प्रधानमंत्री फोटो लगला ना बोली प्रश्न बीजेपी आज अनुगुल स्टेडियम में चली टीकाकरण इस समय बीजेपी जिला सभापति दिलेश्वर प्रधान नेतृत्व में बीजेपी कर्मी पहुंची दावी जनाते मुख्यमंत्री पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फोटो चित्र लगे दावी करते प्रधानमंत्री फोटो कहीं रहा से अधिकारी प्रश्न कर मोदी देले नवीन फोटो चलो ना जदि फोटो लगुच उभय सरकार लगे मोर दबी भारत माता की राज्य में दैनिक संक्रमण संख्या ह्रास पाँच राज्य में गत 24 घंटे 3031 संक्रमित चिन्हट होती एथमध्यरु क्वारंटीन 1738 लोकाल केस रही 1293 मृत्यु संख्या को नहीं एवं भी चिंता कमी दैनिक कोरोना जनित मृत्यु संख्या 40 ऊपर रही आज भी राज्य में 24 घंटा मध्य 23 जन कोरोना आक्रांत आखि बुझी मिसाई राज्य में कोरोना जनित मृत्यु संख्या 3633 को वृद्धि पाई खोर्धा जिले में सर्वाधिक 381 जन संक्रमित चिन्हट होती अनुगुल 121 बालेश्वर 290 बरगड़ 39 भद्रक 135 बलांगीर 30 बौद्ध 40 कटक 295 देवगढ़ 11 ढेंकानाल 90 गजपति 25 गंजाम 26 जगत सिंहपुर 107 जाजपुर 226 झारसुगुड़ 17 कलाहांडी 39 कंधमाल 38 केन्द्रापड़ 118 केन्दुर 68 कोरापुट 68 मलकानगिरी 43 मयूरभंज 167 नवरंगपुर 63 नयागढ़ 140 नुआपड़ 20 पुरी 180 रायगढ़ 44 संबलपुर 30 सुवर्णपुर 22 सुंदरगढ़ 80 और स्टेटपुर 78 आक्रांत चिन्हट होती या मिसाई राज्य में मोट आक्रांत संख्या 880,533 हो सेबे तृतीय लहर को नहीं सतर्क कराइले डीएमईटी सीबीके महांती कहले अनेक देश में तृतीय लहर आसी तेणु आमको सतर्क रहा पड़ो एवं देश में 7 जन डेल्टा प्लस वेरिएंट देखा देखिए से आइसोलेशन में रखा आइसोलेशन में रही विशेष क्षति हेनी से समस्त को टीकादान कर उपांत अंचल में टीका ने अनिच्छा प्रकाश कर लोकों सचेतन करे समस्ते सचेतन रही आम कोरोना को हर पार्बा अंपटे पोस्ट कोविड समस्या नहीं प्रतिक्रिया रखिंट डीएमईटी कोविड द्वारा शरीर में अंग प्रत्यंग विशेष भाव क्षतिग्रस्त होणु लोकों मृत्यु हो समस्ते मैंने अनुमान करतमान अनुमान स्टेज अच्छे तेणु प्रेडिक्शन टा सब प्रेडिक्शन कितु बर्तमान पृथ्वीर अनेक कंट्री भी थर्ड ओव होनेक कंट्री भी है एपर्तंत आपत देखते पृथ्वीर केतेटा कंट्री कोविड रिपोर्टेड
ପ୍ରାୟ 215 କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ବା ଟେରିଟରୀ ଏଇଟା ରିପୋର୍ଟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କେତେଟା କଣ୍ଟ୍ରିରେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ବା ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ପାଖାପାଖି 120 କଣ୍ଟ୍ରିରୁ, ସେଥିରୁ ବି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେଡ଼ ମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ କେତେଟି ୟୁରୋପିଆନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହେଇଛି ବା ଭାରତରେ ବି ହେଇସାରିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭ୍ ପାଇଁକି ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ କେତେକ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବି ସେଇଟା ହେଇଛି। ଏଇ ଆମେ ବି ଆଗରୁ କହିଛୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛୁ କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ହାଇପୋକ୍ସିକ୍ ଯାହାର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟିରଏଡ୍ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଦିଆହେଉଛି, ଯେଉଁ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ଼ ଷ୍ଟଡି ସିଏ କ୍ଲିଅର୍ କଟ୍ କହିଛି ଯାହାର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯିଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପୋର୍ଟରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଷ୍ଟିରଏଡ଼ ଦିଆଯିବ, ଆଗରୁ ଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସମୟ ପୁଣି ଏକ ବ୍ରେକ୍ ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଜାରି ରହିବ ଖବର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ପୁଣି ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଷୀ, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠୁନି ଧାନ, କେତେବେଳେ କଟନୀ ଛଟନି ତ କେତେବେଳେ ଟୋକନ ଲାଭ ସମସ୍ୟା। ବରଗଡ଼ ବିଜେପୁରରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ପୂର୍ବରୁ ଚଳିତ ମାସ 12-14 ଯାଏ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ବିଜେପୁରର ସାଇପାଲି ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଲାବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ସହ ଲାଭ ଟୋକନର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବା ପରେ ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦାବି ପୂରଣ ନହେବାରୁ ପୁଣି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ବରଗଡ଼ ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଆଉ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ବିଜେପୁରଠାରୁ ଚାଷୀଙ୍କର ହକ୍ ପାଇଁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଭିମୁଖେ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ପଳୁଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ, ଆଉ ଏହି ଅବସରରେ ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ଜଳଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ସୁଧୀର କୁମାର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଅଶୋକ ବରାଳ। ଜଳଯୋଗ କରି ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ଦିବସ। ଏ ବହୁତ ସହଜ, ଆମେ ଶରୀରକୁ କେମିତି ଆମେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ନେଲେ ଆମେ କେବଳ ପାଣିକୁ ରେ ଭାସିପାରିବା, ଆମ ବଡ଼ିଟାକୁ ଆମେ ହାଲକା କରିଦେଲା ପରେ ଆମେ ପାଣିରେ ଭାସି ପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ ଏବଂ ଆମେ ଏମିତି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ବି ଭାସିପାରୁଛୁ। ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ଅବସରରେ ଯୋଗରୁ ସହଯୋଗର ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି, ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏମ୍ ୟୋଗା ଆପ୍ର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ଓ ସହଯୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଫଳରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଗ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ସେହିପରି କରୋନା କାଳରେ ଯୋଗ କବଚ ଓ ସାହସ ସାଜିଛି, ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗର ଶକ୍ତିକୁ ମାନିଛି, ତେବେ କରୋନା ବିରୋଧରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯୋଗ ଦିବସ ଅନେକ ଦେଶ ପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯୋଗକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଛି, କରୋନା କାଳରେ ଆଶାର କିରଣ ହୋଇଛି ଯୋଗ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ପଳୁଛି ଯୋଗ ଦିବସ, ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ରହିଛି ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଯୋଗ। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଦେଶରେ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି, ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିବସକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମେରିକାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି UAE ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଯୋଗକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଜନତା ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ରାଜରାସ୍ତାରେ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପାର୍କରେ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଘରେ ଘରେ ବି ଯୋଗାସନର ଅଭ୍ୟାସ। ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଯୋଗାମୁଦ୍ରାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସରେ ବିରାଟ ଆୟୋଜନ ହୋଇନାହିଁ। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଡ଼ି ସାରୁଛୁ, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।